दोस्तों नमस्कार। आज इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि पांच चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। यह कहानी अगर आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जाने अनजाने में हम ऐसी कई चीज़ें करते हैं जो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं होती है। वैसे तो इन चीज़ों की लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, पर मैं आपके साथ सिर्फ पांच ऐसी बातें शेयर कर रहा हूं जो मैं खुद फॉलो करता हूं, और हो सकता है कि आप ऑलरेडी इसमें से कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करते हो, पर अगर आप यहां से कुछ और उसमें ऐड कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपके लाइफ को और बेटर बनाएगा। सो देखते हैं ये पाँच चीज़ें कौन कौन सी है। पहली चीज़ ये है, दूसरों की बुराई को इंजॉय करना। ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दूसरे के सामने तीसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, पर एक और बात जो मुझे ज़रूरी लगती है वो ये कि यदि कोई किसी की बुराई कर रहा है तो हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं लेनी चाहिए और उसे इंजॉय नहीं करनी चाहिए। अगर आप उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं नकारात्मक को अपनी ओर अट्रैक्टिव करते हैं। बेहतर तो यही होगा कि आप ऐसे लोगों से दूर रहें। यदि साथ रहना मजबूरी हो तो ऐसे टॉपिक पर आप बिल्कुल गूंगे और बहरे हो जाएं, सामने वाला खुद ब खुद शांत हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा हो और आप उसी पे हंसे ही नहीं तो शायद वो अगली बार आपके सामने ऐसा ना करे। इस बात को भी समझिए कि समान रूप से जो लोग आपके सामने औरों का मजाक उड़ाते हैं वो औरों के सामने आपका भी मजाक उड़ाते होंगे, इसलिए ऐसे लोगों को डिस्करेज करना ही ठीक रहेगा। दूसरी चीज़, अपने अंदर को दूसरे के बाहर से कंपेयर करना। अपने अंदर को दूसरे के बाहर से कंपेयर करना यानी कि तुलना करना, इसे इंसानी डिफेक्ट कह लीजिए या कुछ और, पर सच ये है कि बहुत सारे दुखों का कारण हमारा अपना दुख ना होके दूसरों की खुशी होती है। आप इससे ऊपर उठने की कोशिश करिए। इतना याद रखिए कि किसी व्यक्ति की असलियत सिर्फ उसे ही पता होती है। हम लोगों के बाहरी यानी नकली रूप को देखते हैं और उसे अपने अंदर के यानी कि असली रूप से तुलना करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि सामने वाला हमसे ज़्यादा खुश है, पर हकीकत ये है कि ऐसे तुलना का कोई मतलब ही नहीं होता है। आपको सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है और व्यर्थ की तुलना नहीं करनी है। तीसरी चीज़ है, किसी काम के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना यानी किसी काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। मैंने कई बार देखा है कि लोग अपनी जरूरी काम भी बस इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वो किसी और पे निर्भर रहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति पर डिपेंड मत रहिए। आपका गोल समय सीमा के अंदर काम का कंप्लीट करना होना चाहिए। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड यानी कि सबसे प्यारा दोस्त तत्काल आपकी मदद नहीं कर पा रहा है तो आप किसी और की मदद ले सकते हैं, या संभव हो तो आप अकेले भी उस काम को कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसे लोग जो छोटे छोटे कार्यों को करने में आत्मनिर्भर होते हैं वही आगे चलकर बड़े बड़े चैलेंज भी पार कर लेते हैं। तो इस चीज़ को अपनी आदत बना लीजिए। ये जरूरी है कि काम पूरा हो या नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति की मदद से ही पूरा हो। चौथी बात है, जो बीत गया उस पर बार बार अफसोस करना। अगर आपके साथ बीते हुए समय में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको दुखी करता है तो उसके बारे में बार बार अफसोस करिए। दो बार करिए पर तीसरी बार मत कीजिए। उस इंसिडेंट से जो सीख ले सकते हैं वो ले लीजिए और आगे देखिए। जो लोग अपना रोना दूसरों के सामने बार बार होते हैं उसके साथ लोग सिंपथी दिखाने के बजाय
उससे कटते लगते हैं, उससे दूर होने लगते हैं। हर किसी की समस्याएं हैं और कोई भी ऐसे लोगों को नहीं पसंद करता है जो लाइफ को हैप्पी बनाने की जगह उसे दुखी बनाए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी और से ज़्यादा आप ही का नुकसान होता है। आप पास्ट में ही फंसे रह जाते हैं और ना इस पल को जी पाते हैं और ना फ्यूचर के लिए खुद को तैयार कर पाते हैं। तो जो बीत गया उस पर बार बार अफसोस मत करो। पांचवी चीज़ है, जो नहीं चाहते हैं उस पर फोकस करना। जो आप जिंदगी में नहीं चाहते हैं उसी को बार बार सोचना, उसी पे फोकस करना। संपूर्ण ब्रह्मांड में हम जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं उस चीज़ में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती है। इसलिए आप जो होते हैं, होते देखना चाहते हैं उस पे फोकस करिए, उस बारे में बात करिए, ना कि किसी ऐसे चीज़ जो आप नहीं चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ती महंगाई और खर्चों पर हर वक्त मत बात कीजिए, बल्कि नई अपॉर्चुनिटी और नए इनकम को जनरेट करने के आइडिया पर बात कीजिए। ये ऐसी पांच चीज़ें थी जो मैं आपको बता दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपकी इच्छा है तो, अगर आपको दिल से पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।